नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। ये एक तीतर का प्रसंग है। तीतर की 8 बातें कुछ ऐसी हैं। तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे और हो सके तो इन 8 बातों को अपनी औलाद को भी जरूर बता के जाएं। प्रिय दर्शकों, ऐसी 8 अनमोल बात तीतर बताता है और कहता है कि जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार के रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता और वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। प्रिय दर्शकों, तीतर की इन 8 बातों को हमेशा याद रखने वाला व्यक्ति कभी भी उसके जीवन में धोखा नहीं खा सकता। ये 8 बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, वीडियो हमेशा पूरा देखा करें। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उन लोगों को आधी अधूरी जानकारी मिलती है और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को हो सके तो पूरा देखा करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक तीतर रहता था और उस तीतर के 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी सादी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात वो सुनती तो हर किसी से कह देती थी। तो उसके जितने भी मित्र थे, जितने भी आड़ोसी पाड़ोसी थे, उन सभी को इस बात का अच्छी तरह मालूम था कि तीतर की घरवाली के मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है, इसलिए तीतर भी उसको बहुत कम बात बताया करता था। वो तीतर जंगल में जाता और शिकार करता और शिकार लाके अपने बच्चों का पालन करता। उसी जंगल में काफी और भी पक्षी रहा करते थे। उनके पड़ोसी मित्र कौवा रहता था। एक कौवा उस तीतर का पड़ोसी मित्र था। वो कौवा हर बार उस तीतर से पूछा करता कि तीतर भाई, तुम कहां जाते हो, अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो, ऐसा तुम क्या करते हो, मुझे भी बताइए। वो तीतर अपना कभी भेद नहीं खोलता था, लेकिन वो तीतर अपनी घरवाली से इस बात को कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार करता हूं और इस तरीके से शिकार करके लेके आता हूं। प्रिय दर्शकों, वो तीतर किसी को अपनी बात नहीं बताता था, लेकिन उसकी जो घरवाली थी वो बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। जब वो तीतर बात नहीं बताता था तो वो कौवा उस तीतर की घरवाली से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहां जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। प्रिय दर्शकों, वो तीतर अपनी घरवाली को खूब समझाता कि तुम किसी से कुछ मत कहा करो, यदि तुम ऐसे करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी। वो कुछ देर उस बात को याद रखती, लेकिन कुछ देर बाद में जो उनके पति वो तीतर अपनी पत्नी से कहता उस बात को भूल जाती। इसी बात को लेकर वो तीतर बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि तीतर हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता, हर रोज नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को आकर के अपनी पत्नी को बताता तब पत्नी दूसरे दिन उस कौवा को बता देती। कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता था। कौवा अक्सर उस तीतर की पत्नी से इस बात को अक्सर पूछा करता था कि तुम्हारा पति कहां जाता है, और इतना टाइम भी नहीं लगाता और फट से जाता है और फट से भोजन लेके आ जाता है। और कौवा कहता है कि हम दिन भर भटकते रहते हैं लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता, और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो फट से जाता है और फट से भोजन ले आता है। कौवे की इस बात को सुनकर उस तीतर की पत्नी वो सारी बातें बता देती हैं जो तीतर उनसे कहता है, क्योंकि तीतर रोज जाता और रोज नई जगह खोज करके भोजन लेके आता,
और आते ही उसकी पत्नी पूछती कि आज कहां से लेके आए हो। वो तीतर अपनी पत्नी को बताता कि मैं फला जगह से भोजन लेके आया हूं। दूसरे रोज जब कौवा उस तीतर की पत्नी से पूछता तो वो तीतर की पत्नी उस कौवे को बता दिया करती। फिर कौवा वहां से चलता और उस तीतर वाली जगह पर अपना अधिकार बना लेता। तीतर को वहां आसपास भी नहीं भटकने देता। प्रिय दर्शकों, इसी परेशानी को लेकर और तीतर बड़ा दुखी होता था, क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपना भोजन का प्रबंध करता था और उस जगह पे जाकर कौवा अपना अधिकार बना लेता था। तीतर रोज बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य किसी पक्षियों को बता देती हैं और वो पक्षी जाकर के उस जगह पर अपना अधिकार बना लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूं। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा दुखी रहता था। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी की वजह से तीतर को ये नौबत आने लगी कि उसको कहीं भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने बच्चों को अपनी पत्नी को भोजन खिलाना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि तीतर जो भी जगह नई जगह खोजता उस जगह पर कौवा जाके अपना अधिकार जमा लेता और कौवा उस तीतर को उस जगह पे भटकने भी नहीं देता। अब तीतर के सामने ये बड़ी चुनौती आ गई थी, ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि तीतर अपने परिवार का और अपना पेट पालन कैसे करे। तीतर ने अपने और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था धीरे धीरे वो सब खत्म होने लगा। अब तीतर को नौबत आने लगी भूखा मरने की। तीतर रोज दिन भर भटकता रहता, लेकिन तीतर को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये तीतर की पत्नी की वजह से उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। अब तीतर को ये बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कभी कभी बार तो ऐसी नौबत आ गई कि उनको भूखा सोना पड़ा। किसी किसी दिन तो ऐसी नौबत आने लगी कि उनको भूखा भी सोना पड़ जाता। और तीतर अपनी पत्नी को रात दिन खोजता रहता, कहता कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, यदि तुम्हारे मुख में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज ये नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहती है कि देखो जी, मेरे पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, कि यदि आपकी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालन करने की तो आप ऐसे कह दीजिए, फालतू में आप मुझ पर दोष मढ़ते हो। तीतर इसी बात को लेकर बड़ा परेशान था और तीतर दिन भर भटकता भटकता एक साधु के आश्रम पे पहुंचता है। साधु के आश्रम पे पहुंचकर और साधु को प्रणाम करके और चुप होकर बैठ जाता है। जब साधु उस तीतर को देखता है कि तीतर बड़ा शांत बैठा है, साधु सोचने लगता है कि इस तीतर के जीवन में कोई तगड़ी समस्या है, कोई बड़ी समस्या है। वो साधु उस तीतर के पास जाता है और तीतर से कहता है कि तीतर, तुम्हारे ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान बैठे हो, लगता है कोई गंभीर समस्या है। वो तीतर साधु महाराज को प्रणाम करता है और साधु को वो सारी घटनाएं सुनाने लग जाता है। वो तीतर कहता है कि साधु महाराज, मेरी पत्नी की वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं हर रोज नए भोजन की खोज करता और अपना परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मेरे से पूछा करती कि आज भोजन कहां से लेके आए हो, और मैं अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता देता था। मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगनी है और पत्नी से किसी भी बात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी विचार को लेकर मैं अपनी पत्नी से पूरी बातें कह देता था, और मेरी पत्नी बड़ी भोले स्वभाव की है, बड़ी भुलक्कड़ है। दूसरे दिन मेरी पत्नी कौवे को बता देती थी। कौवा मेरी पत्नी से आके पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहां से भोजन लेके आता है। मेरी पत्नी वो सारी बातें उस कौवे को बता देती थी। दूसरे दिन वो कौवा जाकर उस स्थान पर अपना अधिकार जमा लेता है और हमसे कहता है कि यहां तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, हमें उस जगह पर भटकने भी नहीं देता है। इसी वजह से आज मेरी पत्नी की वजह से मुझे ये नौबत आ गई है
कि मुझे एक टाइम का भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। इसी चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी रहता हूं। प्रिय दर्शकों, वो साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि ये तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है, सीधी है, भोली है और उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें ऐसी कोई बात उनको नहीं बताना चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो, और उस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए। ऐसी बात को आप हमेशा अपने तक सीमित रखें। वो साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि तीतर, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगा, यदि आप अपने जीवन में इन 7 बातों पर अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं पाओगे। सबसे पहली बात, साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं कि अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ, चाहे वो पत्नी हो या पुत्र हो या कोई मित्र हो, अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, साधु महाराज कहते हैं कि तीतर भाई, दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज तीतर को दूसरी वो बात बताते हैं, कहते हैं अपनी भविष्य की गलतियां और अपनी भविष्य की रणनीति, दोनों बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी भविष्य की गलतियां बताते हैं तो सामने वाला आपकी उन भविष्य की गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा, हो सकता है आपके बने काम को बिगाड़ दे। इसलिए अपनी भविष्य की गलतियां कभी नहीं बतानी चाहिए। और यदि आप भविष्य की रणनीति को बताते हैं तो सामने वाला आपके बने काम को बिगाड़ देगा और आप जो उससे पहले सामने वाला रणनीति तैयार कर लेगा और आपको हमेशा युद्ध में परास्त होने का खतरा होता है। इसलिए अपनी भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बातें साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं और कहते हैं कि अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती हैं, पति पत्नी में होती हैं, पिता पुत्र में होती हैं, अपने घर की जो भी बातें हैं कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपनी समाज में मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। कभी भी आप अपनी समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल सकते। सामने वाला आपकी घर की बातों को सुनकर और वो मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को भूल कर भी नहीं बताना चाहिए। चौथी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं, वो कहते हैं कि अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कहां से कमाई कर रहे हैं, कहां से भोजन इकट्ठा करते हैं। यदि आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है आपकी कमाई का जरिया खत्म हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पे जाके वो अपना अधिकार जमा ले, जिस तरीके से उस तीतर के साथ हो रहा है कि तीतर रोज नई जगह खोजता है और उस जगह पे जाके कौवा अपना अधिकार जमा लेता है। इसी तरीके से यदि आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई के जरिए पे जाके अपना अधिकार जमा ले और आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए। इसीलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात साधु महाराज तीतर को समझाते हैं और कहते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत ये भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और यदि आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत को तोड़ सकता है, आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसीलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ
कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठी बात, साधु महाराज उस तीतर को कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रु को किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपने मित्र को किसी को बताते हैं कि फला आदमी मेरा मित्र है, तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म कर दे और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी किसी को ना बताए, और यदि आप अपने शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक दुगना हो जाए। इससे आपको बहुत ही अधिक खतरा होता है। इसलिए कभी भी कैसा भी संकट आ जाए, कैसी भी मजबूरी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज बताते हैं कि तीतर भाई गौर से सुनिए कि दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से दान देते हैं तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि आप दिए हुए दान को एक दूसरे को बताते हैं, अपनी बड़ाई के चक्कर में बताते हैं, अपनी डींगे हांकने के चक्कर में दिए हुए दान को किसी अन्य लोगों को बता देते हैं, तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा और उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दिए हुए दान को भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये सात बातें साधु महाराज उस तीतर को समझाता है और तीतर के मन में ये सात बातें बिल्कुल बैठ जाती हैं। तीतर इन सात बातों पर अमल करता है और धीरे धीरे तीतर ने अपनी पत्नी को बातें बताना बंद कर दिया। उसके बाद तीतर का जीवन पहले जैसे सुखमयी हो गया और तीतर अपना जीवन सुखी से व्यतीत करने लगा। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप जरूर प्रेरणा लेंगे। आप कभी भी इन सात बातों को कभी किसी को नहीं बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन सुखमयी होगा। मिलते हैं प्रिय दर्शकों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।